हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू लर्न टुगेदर। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इन्वॉल्व का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ में देखेंगे कि इन्वॉल्व वर्ड का हमें सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करना है। वीडियो के एंड में बताया गया है कि इन्वॉल्व वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इन्वॉल्व की प्रोनाउंसिएशन है INVOLVE, इन्वॉल्व को हम इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्विंग और इन्वॉल्व्स भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है। टू इंक्लूड और अफेक्ट समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु को शामिल करना या उसको प्रभावित करने को हम इन्वॉल्व करना कहते हैं। इफ एन एक्टिविटी और सिचुएशन इन्वॉल्व समथिंग, दैट थिंग इज पार्ट ऑफ इट और अ रिजल्ट ऑफ इट। अगर किसी गतिविधि या स्थिति में कुछ शामिल किया जा रहा है, कुछ इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वह चीज उसका हिस्सा है या उसका परिणाम है। तो आइए इसे बेहतर समझने के लिए दो सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं विद द वर्ड इन्वॉल्व। डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल। डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल, अपनी परेशानी में दूसरे लोगों को शामिल ना करें। डोंट इन्वॉल्व मी इन योर क्वारल। डोंट इन्वॉल्व मी इन योर क्वारल, मुझे अपने झगड़े में शामिल मत करो। तो आइए हम इन्वॉल्व के सिनोनिम्स या समानार्थ शब्द देखते हैं। एंटेल, किसी के बारे में होना। इंक्लूड, शामिल करना। एंगेज, काम पर लगाना। रिक्वायर, जरूरत होना। वहीं इन्वॉल्व के एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स हैं एक्सक्लूड, निकालना। तो जहां एक और इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी चीज को शामिल करना, वहीं उसका ऑपोजिट है एक्सक्लूड, निकाल देना। रिजेक्ट, दिल तोड़ना। एलिमिनेट, हटाना। रिमूव, निकालना। तो सिंपल शब्दों में इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना या शामिल होना, किसी अपराध में या किसी मुसीबत में फंस जाना, खतरे में पड़ना। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप इन्वॉल्व शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।